हेलो बच्चों, मैं आराधना वर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 की हिंदी पुस्तक वसंत एक का पाठ नंबर 8 ऐसे ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के सभी क्लास के लिए हिंदी का सभी चैप्टर का व्याख्या और प्रश्न उत्तर उपलब्ध है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं जिस क्लास का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के प्लेलिस्ट है उसको क्लिक कीजिएगा, तो आपको उस क्लास के सभी वीडियो वहां पर अपलोड मिलेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज पाठ नंबर 8 के ऐसे ऐसे इसके शब्दार्थ देखेंगे, साथ ही साथ मैं पाठ की पूर्ण रूप से व्याख्या करूँगी। तो पाठ का नाम है बच्चों ऐसे ऐसे, जो कि एक कहानी नहीं है बल्कि क्या है, यह एक नाटक या एकांकी है। और इस नाटक या एकांकी के जो लेखक हैं उनका नाम है विष्णु प्रभाकर जी। तो आइए पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें कौन कौन से पात्र हैं इस नाटक या एकांकी में वो देख लें। इसमें एक विद्यार्थी है जिसका नाम है मोहन, साथ ही साथ एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है दीनानाथ, और मोहन की माँ है जिसको यहाँ माँ कह के बोला गया है, मोहन के पिता हैं साथ में, और मोहन के मास्टर जी हैं जिनको कि मास्टर के रूप में इसमें संबोधित किया गया है इस एकांकी में। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके अलावा, इन पात्रों के अलावा इसमें वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन भी, उनकी भी एंट्री होगी, वो उनका भी प्रवेश इस नाटक में दिखाया जाएगा। तो आइए देखते हैं विष्णु प्रभाकर जी इस एकांकी में क्या लिखते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। बैठक का मतलब क्या होता है बच्चों, बैठक का मतलब होता है बैठने का कमरा, उसको बोलते हैं बैठक। तो एक सुंदर सा फ्लैट का दृश्य दिखाया जा रहा है नाटक की शुरुआत में, जिसमें एक बैठक है, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। तो उससे बहुत सारे दरवाजे आपस में इस फ्लैट में जुड़े हुए दिख रहे हैं। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं। तख्त का मतलब क्या होता है बच्चों, तख्त का मतलब होता है लकड़ी की छोटी सी चौकी जिन पर गलीचे बिछे हैं, गलीचे का मतलब होता है कालीन। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। तो जैसे ही नाटक का पर्दा उठता है ये सब कुछ उसमें अरेंज किया हुआ है, और वहाँ पर दिखता है कि मोहन नाम का एक बच्चा एक तख्त यानी चौकी पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है, इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। तो इस समय उस नाटक में दिखाया जा रहा है कि ये बच्चा बहुत बेचैन है, बेचैन का मतलब परेशान है, वो बार बार पेट को पकड़ता है, उसके माता पिता पास में बैठे हैं। तो ये सब कुछ दृश्य है। अब यहाँ पर संवाद शुरू होता है। माँ पुचकार कर, पुचकार कर मतलब होता है प्यार करके या दुलार करके, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। सेक का मतलब क्या होता है बच्चों, गर्म पानी या कपड़े से किसी को राहत पहुंचाने की कोशिश करने को सेकना बोलते हैं। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, यानी गर्म पानी का बोतल वो उसकी माँ मोहन के पेट पर रखती है, ऐसा नाटक में दिखाया जा रहा है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इनसे कहीं कुछ इसने कहीं कुछ अंटसन तो नहीं खा लिया, उससे बोल रही है कि ये जो बच्चा है ये कुछ ऐसा अंटसन का मतलब होता है कुछ उटपटांग या अटपटा तो नहीं खा लिया। पिता बोलते हैं, कहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, इसका मतलब कि मोहन अपने पिता के साथ उसके दफ्तर से आया था वापस। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यकायक का मतलब होता है अचानक। तो वो बोलते हैं कि नहीं, जब दफ्तर से हम दोनों निकल रहे थे तब तक तो ये ठीक था, अचानक से ये बोला कि मेरे पेट में दर्द होता है बस से उतरने पर, यानी कि वो लोग बस से आए हैं। माँ बोलती है, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं।
जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो उसके पिताजी उससे कई तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हें ऐसा हो रहा है क्या, वैसा हो रहा है, पर हर में वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, बस ऐसे ऐसे हो रहा है, वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? तो उसकी माँ हंसी और दुख का समावेश लिए हुए पूछती है, अरे ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है? मुंह उतरना का मतलब क्या होता है बच्चों? मुंह उतरना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होना। हवाइयाँ उड़ रही हैं, हवाइयाँ उड़ना का भी मतलब होता है घबरा जाना। अब पिताजी क्या बोलते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है। तो अब उसके उसकी माँ बोलती है कि बच्चे का चेहरा जो है बिल्कुल उतर गया है। तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि अरे इसका चेहरा तो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है। सफ़ेद पड़ने का भी मतलब होता है बच्चों घबरा जाना या बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करना। खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। उसके पिताजी बता रहे हैं कि बस से ही ऐसे करना शुरू कर दिया था। मोहन जोर से कराह कर, कराहना का मतलब होता है आहें भरना। तो आहें भरते हुए बोलता है, माँ ओ माँ। माँ आप बोलती है, ना ना मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। तो उसकी माँ घबरा जाती है और अपने हस्बैंड से बोलती है, जरा देखिए डॉक्टर क्यों नहीं आया अब तक, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है। लौटने का मतलब क्या होता है, करवटें बदलना परेशानी के साथ। जरा भी कल नहीं पड़ती, कल का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर कल का मतलब बोल रही है उसकी माँ कि चैन नहीं मिलना या आराम नहीं, यानी कि लगातार करवटें बदल रहा है, इससे चैन और आराम नहीं मिल रहा है। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो वो बता रही हैं कि जो भी घरेलू नुस्खा था वो सब वो देख चुकी हैं, अब तो बस किसी तरह से वैद्य जी आएँ और बताएं कि इसको क्या परेशानी हुआ है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। तो नाटक में अब क्या हो रहा है, फ़ोन की घंटी बजता हुआ दिखाया गया। मोहन के पिता उठाते हैं, जो मोहन के पिता बने हैं वो फ़ोन उठाते हैं और पिता क्या बोलते हैं, यह 4332 है, जी जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब, जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है जी, नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। तो सब कुछ मोहन के पिताजी डॉक्टर को बता रहे हैं, डॉक्टर जो भी पूछ रहा है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं आता, जी जी हाँ चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। तो उसके पिताजी जो जो डॉक्टर पूछ रहा है उसके अनुसार वो फ़ोन पे जवाब दे रहे हैं। नाचा नाचा फिरता है, जी नहीं दस्त तो नहीं आया, जी हाँ पेशाब हो तो आया था। तो उनके पिताजी बता रहे हैं कि उसको दस्त डिसेंट्री तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ यूरिन तो उसने पास किया है। जी नहीं रंग तो नहीं देखा, वो बता रहे हैं कि पेशाब का रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी ज़रा जल्दी आइए, अच्छा जी बड़ी कृपा है, फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। तो फ़ोन का जो चोंगा है उस फ्रेम को वो वहाँ पे रख देते हैं। बात करने के बाद डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। और उसके बाद वो अपनी पत्नी से बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक से चल पड़े हैं, बस 5 मिनट में ही आ जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का अब नाटक में प्रवेश होता है। मोहन ज़ोर से कराहता है, यानी कि ज़ोर से वो कराहने का मतलब क्या होता है, तकलीफ़ भरी आवाज़। तो वो तकलीफ़ भरी आवाज़ निकालता है। मोहन क्या बोलता है, माँ माँ ओ ओ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है हाय हाय करते हुए। अब माँ क्या करती है, माँ कमर सहलाती है। तो कमर को सहलाना, सहलाना का मतलब क्या होता है, सहलाती का मतलब दुलारना, यानी कि उसके कमर को अब सहला रही है, बच्चे को तकलीफ़ हो रहा है इसलिए। क्या हो गया, दोपहर को भला चंगल था, भला चंगा का मतलब होता है ठीक ठाक या स्वस्थ रहना। कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। तो अब उसकी माँ बोल रही है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, आज आज पता नहीं क्यों इस तरह से कर रहा है, नहीं तो ये तो बहुत शरारती बच्चा था, हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगा रहता था। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए
रहता था। तो अब जो उसका पड़ोसी आया था दीनानाथ, वो बोल रहा है कि केवल आपके घर नहीं बल्कि पड़ोस को भी एक गुलजार किया रहता था। गुलजार करना मीन्स रौनक बढ़ाना। इसे छोड़, इसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो जो दीनानाथ हैं वो उसकी तारीफ़ करते करते थोड़ी बहुत शिकायत भी कर रहे हैं। पिता बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। तो माँ थोड़ा चिंतित हो रही है। दीनानाथ क्या बोलते हैं पड़ोसी, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है। तकलीफ़ का मतलब कि हाँ कोई बड़ी परेशानी है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं बैद जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। तो पड़ोसी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बैद जी को बोल के आया हूँ, वो आते ही होंगे, ठीक कर देंगे, आप लोग परेशान ना हो। मोहन क्या बोलता है तेज़ी से कड़ा कर, अरे ओह। माँ क्या बोलती है घबरा कर, क्या है बेटा, क्यों क्या हुआ। मोहन रुआंसा सा, रुआंसा मीन्स रोने वाला चेहरा बनाकर, बड़े ज़ोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन बोल रहा है, ऐसे ऐसे, पेट दबाता है साथ में बोलते बोलते वो। अब आगे नाटक में किसका प्रवेश हो रहा है, नाटक में अब वैद्य जी का प्रवेश हो रहा है। वैद्य जी कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया, कोई धमा चोकरी करने को नहीं बचा क्या। तो वैद्य जी थोड़ा थोड़ा उसका हंसी भी उड़ा रहे हैं, माखोल उड़ाते हुए उससे प्रश्न करना चाह रहे हैं। धमा चौकड़ी का मतलब होता है उधम मचाना। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। बैद जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सब माने उसके माता पिता और पड़ोसी। अब पिता क्या बोलते हैं, बैद जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो सब कुछ दीनानाथ, मोहन के पिताजी बैद जी को बता रहे हैं। अब बैद जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं है, नाड़ी दबा करके बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ बात का जिक्र है, बात का मतलब होता है वायु यानी कि गैस होना, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में गैस बनना बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक से इसको अच्छे तरह से इसका मल जो है वो रुक गया है, ठीक तरीके से वो पास नहीं हुआ है, इसलिए इसके पेट में गैस बन रहा है। और वो अपना हाथ को हाथ की उंगलियों को सिकोड़ते हुए दिखाते हैं कि क्या इस तरह से हो रहा है। मोहन कड़ा कर, जी हाँ ओह। तो मोहन बोलता है, हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है, और फिर वो कड़ाता है। आगे वैद्य जी क्या बोल रहे हैं, हर्ष से उछल कर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, छकाना का मतलब होता है हरा देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप भी पुड़िया ले लो। मोहन की माँ, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, दो तीन दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सिंह। तो गधे के सिर से सिंह भागना मतलब विलुप्त हो जाना बिल्कुल, ये एक मुहावरा है। तो वैद्य जी उनको बोलते हैं कि आप आइए मोहन के पिताजी, मैं दवा दूंगा, और हाँ मोहन की माँ, उसे आप इसे खिला दीजिएगा तो इसे कुछ दस्त होंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। तो मोहन के पिता क्या करते हैं, वैद्य जी को छोड़ने जाते हैं, उसे 5 रुपया भी देते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी बोलते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं, अंदर के दरवाजे से जाते हैं। नाटक में जो अंदर का दरवाज़ा है वहाँ से वैद्य जी फिर ऐसा बोलते हुए बाहर निकल जाते हैं, फॉर्मेलिटी वाली बातें बोलते हुए। फिर वहाँ से अब डॉक्टर की एंट्री दिखाते हैं, डॉक्टर बोल रहा है, किसकी एंट्री हो रही है नाटक में, अब एक डॉक्टर आ रहा है, पहले वैद्य था। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता,
डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर क्या बोलते हैं, पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। तो डॉक्टर भी बच्चे से बड़े ही फनी तरीके से व्यंग और हंसते हुए उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। अब माँ बोलती है, बताओ बेटा डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। भींचना का मतलब होता है मरोड़ना। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। अब वो डॉक्टर से बोलता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है डॉक्टर। मोहन बोल रहा है, डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं। कॉलिक पेन का मतलब होता है पेट के मांसपेशियों में होने वाला दर्द को कॉलिक पेन कहते हैं बच्चों, ठीक है। और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, फोड़ा का मतलब होता है मवाद या पस से भरा हुआ घाव। तो वो डॉक्टर जो है वो बोल रहे हैं कि लगता तो नहीं है कि ये कॉलिक पेन या फिर फोड़ा है, बराबर पेट टटोलता है। फिर वो इसको सही है या गलत इसको जानने के लिए उसके पेट को टटोलता है, टटोलना मतलब छूकर सहलाना। अब माँ बोलती है कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। तो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उसके पिता को बोलते हैं कि आप आइए मेरे साथ, मैं आपके साथ आपको दवा देकर भेज दूँगा। क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐठन है। तो वो भी यही बता रहे हैं कि बच्चे को हो ना हो गैस का प्रॉब्लम है कब्ज के कारण। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ क्या बोल रही है, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, परोशिन आती है। तो अब एक नए पात्र का इसमें एंट्री होता है, वो है परोशन। तो उसकी अब एंट्री हो रही है नाटक में। परोशिन क्या बोलती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ बोलती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे है। लोचा लोचा का मतलब होता है बेमतलब की परेशानी, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। परोशिन क्या बोलती है, ना जी इतनी नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नई दर्द होगी होगा, राम मारी बीमारियों से तंग कर दिया, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है, खाना पीना तो रहा नहीं। तो अब वो बोलती है कि बहुत तरह तरह के बीमारी निकल आए हैं, क्योंकि अब जो पहले जैसा खाना पीना था वैसा तो अब लोग खाते पीते हैं नहीं, इसलिए अक्सर बीमार पड़ते हैं, ऐसा परोशिन बोल रही है। माँ बोलती है, डॉक्टर कहता है बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। तो परोशन से सब कुछ बता रही है माँ। तभी क्या, कौन आता है, तभी वहाँ पर अब नाटक में मास्टर जी की एंट्री यानी कि प्रवेश होता है। माँ बोलती है, ओ मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। मास्टर बोलते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ दर्द ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। चेहरा का मतलब क्या होता है बच्चों, चेहरे का मतलब होता है हमारा जो फेस होता है उसको चेहरा यहाँ पर बोला गया है। उतरा हुआ, उतरा चेहरा, उतरा हुआ यानी कि चेहरा उतरना, ये फ्रेज एक मुहावरा, उसका मतलब होता है कमजोरी और परेशानी महसूस करना। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी, रौनक का मतलब चहल पहल नहीं रहेगी, ऐसा मास्टर जी मोहन से बोल रहे हैं। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो माँ बोल रही है कि नहीं डॉक्टर जी, इनको तो नहीं मास्टर जी, डॉक्टर वैद तो इसको दस्त की दवा भेज रहे हैं। मास्टर बोलते हैं,
माताजी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को हो जाती है। तो अब मास्टर थोड़ा माखोल उड़ा रहे हैं उसका। माँ सच क्या बीमारी है यह? मास्टर अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ पूछती है उससे, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। तो मास्टर साहब बोलते हैं तुमने स्कूल का काम किया क्या? तो थोड़ा देर चुप रहता है, फिर वो सिर हिलाता है, नहीं मैं। मास्टर जी, जी सब नहीं हुआ, मोहन बोल रहा है मास्टर जी को कि जी सब तो नहीं किया हूँ स्कूल का काम। मास्टर जी, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन बोलता है जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। अब मास्टर क्या बोल रहे हैं आगे हंसकर? कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीनों भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। कौन बोल रहा है ये सब कुछ? मास्टर बोल रहे हैं मोहन से, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो कितने दिन की छुट्टी दे रहे हैं मास्टर साहब? 2 दिन की। उसको आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। तो मास्टर साहब उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुमने नहीं किया अगर काम तो तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, तुम उसको करो, उठो और काम करना शुरू करो, साथ ही माँ तुम्हें खाना भी देगी। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो दीनानाथ जो पड़ोसी था और पिता, वो दवा लेते हुए नाटक में प्रवेश करते हैं। माँ बोलती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। पेट में दाढ़ी होने का मतलब होता है बच्चों, दिखे सीधा पर स्वभाव से चालाक, वैसे आदमी को बोलते हैं पेट में दाढ़ी होना। तो माँ वही मोहन को बोल रही है, हमारी तो जान निकल गई। जान निकलना का मतलब होता है बहुत अधिक डर होना। 15-20 रुपये खर्च हुए, सो अलग। पिता से देखा जी आपने? वो उसके पिताजी से बोल रहे हैं कि देख रहे हो बच्चा कितना चालाक हो गया। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ क्या क्या होता है? या ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता हैं, दवा किसी सी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है नाटक में। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंसते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पड़ोसी जो है वो बोल रहा है, वाह अच्छा नाटक किए तुम। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। अट्टहास मतलब बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ के साथ नाटक का पर्दा गिर जाता है। तो इसके लेखक कौन है बच्चों? इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, उन्होंने ही इस एकांकी को लिखा है। बच्चों इस तरह से ऐसे ऐसे पाठ का शब्दार्थ सहित व्याख्या समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास जाए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे। धन्यवाद बच्चों देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।